किसानों ने दे आर द, एक तरह से मैं देखूं, मैं बहुत हार्श वर्ड बोल रहा हूं, दे आर द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल बोल रहा हूं। और कारण बताऊंगा क्यों, मैं कोई भी मेरे मुंह से निकला वार सब मैं कॉन्शियस के साथ बोलता हूं। वहां पे कैन यू बिलीव इट, बथुआ और जो खरपतवार हो उसको भी जलाने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं। उन्होंने जमीन को जहर बना दिया है, वो क्रिमिनल अपने भी परिवार के क्रिमिनल है, क्योंकि पंजाब के अंदर हर तीसरा आदमी कैंसरस है। आपको पता है पंजाब के अंदर जाके देखो, कैंसर कैंसर से वो चल रहा है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, उन्होंने अगले आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पाप कर रहे वो ये करके। यहाँ पर 30 मन गेहूं होता था, वहां 50 मन गेहूं कर गए क्या साला, जहां पर 4 कट्टे खाद के डल रहे हैं वो 8 कट्टे डाल रहे हैं। आप आने वाली जनरेशन को भी बर्बाद कर रहे हैं। और फिर अगर जो ना वो दूसरे वाला जो मैं कह रहा हूँ, जो सर्वे करके वो फिर इसराइल में या रशिया में या कनाडा में, उसमें जो गेहूं जाने वाला, तो वो इतनी खाद वाला नहीं लेंगे वो लोग, वो बाकायदा टेस्ट करते हैं। उसके लिए आपको जो ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ती, ठीक है। उससे आपकी आने वाली जनरेशन के लिए और आपके लिए जमीन के लिए बहुत ही हेल्दी होता वो इतनी कमाल की चीज थी, इतनी कमाल की चीज थी, जिसके लिए किसानों ने बहुत बड़ा, किसान जो भी एजिटेटर थे उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। उन 3 कानूनों को वापस करवा गए। ये मेरे लिए पर्सनल दुख की बात है, पीड़ा की बात है। चलिए साहब, आपकी बात सही है। आपने कहा कि एमएसपी में इतना बड़ा पंगा है कि अगर सरकार लागू कर दे इसको, कोई भी सरकार नहीं ला सकती। वो राहुल गांधी ने आज बोला है कि हम एमएसपी गारंटी दे, उस अब मैं क्या बताऊँ उस प्रभु कहाँ से उसको ज्ञान आता मुझे नहीं पता। वो मेरे को एक बार सामने बड़ा बता दो कैसे एमएसपी को लागू कर देंगे, लागत उसको, उसके बड़े बड़े कपिल सिब्बल रोज उन्हें बड़े बड़े ज्ञाता है मेरे सामने बैठ के बता दे आप वो एमएसपी को लागू कैसे कर देंगे, गारंटी को कानून में कैसे ला देंगे।